हालचाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज बहुत ज़बरदस्त सा एक इवेंट है, कुंडों की न्यास। तो हम लोग जा रहे हैं मिस फरीदा के घर, उन्होंने हमें किया हुआ है इनवाइट। तो जनाब, अगर आपको याद हो तो पिछले साल भी हम लोग गए थे, तो हम उनकी गली में एंटर हो चुके हैं और उनका घर जो है वो आने वाला है। तो हम आपको वहाँ जाके बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या बनाया हुआ है। और जनाब, हम उनके घर पहुँच चुके हैं और अंदर जाएंगे, ऊपर है उनका पोर्शन, तो हम अंदर जाएंगे और देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या बनाया हुआ है। और अब हम उनके घर जो है वो एंटर हो चुके हैं, तो अंदर जाके आपको दिखाती हूँ मैं कि क्या क्या अरेंजमेंट जो है वो हुआ है। यहाँ पर जो है हम लोग जो है वो न्यास उनकी जो है वो खाने लगे हैं, और हलवा पूरी है बहुत ही मज़ेदार सी, और चने और आलू का सालन है और हलवा पूरी है, और इसके अलावा और भी कुछ वैरायटी है, लेकिन अभी हम जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए कि हम लोग जो हैं वो क्या क्या खाते हैं। और इसके अलावा दही भल्ले हैं और हलवा है और चने और जो आलू का सालन है, और पूरियां भी बहुत ही खस्ता बहुत ही मज़ेदार। और यहाँ पर जो है वो सब आए हुए हैं और सब खा रहे हैं, तो दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी इस न्याज को कबूल करे और उनको ढेरों बरकत अता करे इस न्याज के वसीले में। तो छोटे छोटे जो हैं वो बच्चे भी आए हुए हैं और भाभी भी आया हुआ है, और इसके अलावा जो है वो मीरा भी आई है, छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, और सबको बहुत अच्छा लग रहा है और सब जो है वो उनकी इस नियाज में शामिल हैं, और उन्हें जो है वो कबूल करने के लिए हम ये दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला उनकी इस नियाज को कबूल करे। तो अब हम जो है वो खा रहे हैं, और अब यहाँ पर जो है वो आखिर में आई है खीर, क्योंकि खीर को हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, और हम ये कह रहे थे कि पिछली दफ़ा बाजी ने खीर बनाई थी तो इस दफ़ा नहीं, लेकिन अब उन्होंने हमारे सामने जब ये खीर लाकर रखी तो हमारे चेहरों पर एक बहुत ज़्यादा मुस्कुराहट आ गई, और हमने कहा कि हम खीर को ही याद कर रहे थे, तो बाजी ने ये कहा कि ये मैंने आखिर में देनी थी। तो बहुत मज़ा आ रहा है, हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त है, हर चीज़ बहुत अच्छी है, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी इस नियाज को बहुत कबूल करे। और इसके अलावा जो है पिछली दफ़ा हम लोग जो हैं यहाँ पर उनके हस्बैंड को भी देख रहे थे, लेकिन आज हमें बहुत ज़्यादा दुख इस बात का भी है कि उनके हस्बैंड जो हैं वो इस दुनिया में नहीं हैं, अभी 4 माह पहले ही उनकी डेथ हुई है। तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और उनके घर वालों को बाजी फरीदा और उनके बच्चों को सब्र जमील अता करे। तो यहाँ पर जनाब हम लोग खा रहे हैं खाना बहुत ही मज़ेदार जनाब, ये कुंडों की न्यास, और हर तरफ जो है वो इसका बहुत ज़्यादा शोर था, और हमें इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, और क्योंकि बच्चे मुझे सुबह बता रहे थे कि हम लोग जो हैं वो सुबह सुबह खा के आए हैं, क्योंकि 9:30 बजे स्कूल लगना था, तो इस वजह से बच्चे जो हैं बहुत से जो हैं वो खा कर भी आए थे लोगों के घरों से ये कुंडों की न्यास। तो अब हम लोग जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं, और खीर तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई कि मैंने दोबारा ले ली है, और बहुत मज़ा आ रहा है। और खालदा जो है वो भी खीर खा रही है, और जो है वो ये देखिए मिरहा जो है वो भी बहुत इंजॉय कर रही है, वो भी खाना चाह रही है, हर चीज़ बहुत खुश हो रही है, और हमारे बच्चे जो हैं वो भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर जनाब बच्चे भी आए हुए हैं और बच्चों को भी बहुत अच्छा लग रहा है, और हम इनसे पूछते हैं, हाँ जी कैसा लगा आपको, क्या क्या खाया? हलवा पूरी खाई थी और खीर खाई थी। वाओ, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? खीर अच्छी लगी। और आप बताओ असद, आपको क्या अच्छा लगा? खीर खा रहे हो, वाओ खीर खा रहा है ये। और आपको क्या अच्छा लगा इब्राहिम? खीर ही अच्छी लगी। चलें जी, सबको बहुत अच्छी खीर लगी। तो अब हम जो हैं वो घर जा रहे हैं, और ये मिस तंजीला के बच्चे हैं, और हम लोग जो हैं वो अब घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ बहुत मज़ेदार थी और बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो अब हम जो हैं वो घर वापस जा रहे हैं, और अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी इस नियाज को कबूल करे जो उन्होंने इतने ज़्यादा एहतमाम से बनाई, और अपने अल्लाह के लिए, मौला के लिए। और हम जो हैं अब नीचे उतर रहे हैं और अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, और
दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी इस नियाज को कबूल करे। तो बाहर बच्चे भी आज बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हर घर से जो है वो कुछ ना कुछ उनको खाने को मिल रहा है, तो यह इस वजह से बच्चे जो हैं वो बहुत खुश हैं। तो अब हम घर जा रहे हैं और फिर मिलूँगी मैं आपसे किसी नई और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तो मेरे चैनल को करते रहिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और नेक दुआओं के साथ मिलते हैं फिर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।